बैक टू निशिकास फैमिली चैनल। सो गाइस, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं हुई तो रेडी थी ब्लॉगिंग करने के लिए, बट बाबू ने अचानक से बताया कि आज मेरी अपॉइंटमेंट मिल गई है। मुझे काफ़ी दिन से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी बट हो ही नहीं पा रहा था। आज जैसे तैसे करके अपॉइंटमेंट मिली है तो मैं फटाफट से वहाँ के लिए निकल रही हूँ। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मुझे दिखवानी थी क्योंकि मेरा 7 मंथ चालू हो गया है इसकी वजह से, और देखती हूँ मैं वहाँ से कितने टाइम में आती हूँ, फिर ब्लॉग को मैं कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। सो गाइस, मैं हॉस्पिटल तो पहुँच गई थी, वेटिंग में था मेरा नंबर, तो मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया और हम लोग बाहर ही बैठे थे क्योंकि अंदर मतलब ज़्यादा परमिशन नहीं दी जा रही थी। 4 लोग से ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा रहे थे, मतलब 4 लोग ही जा रहे थे केवल। तो चलिए अब मैं घर जाके आप लोगों से बात करती हूँ क्योंकि हमारा दवाइयाँ ले रहे हैं बाबू। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ और मैंने नहा लिया था, खाना खा लिया है। सबसे पहले मैं आई थी, मैंने कपड़े टांग दिए थे वॉशरूम में, और क्योंकि मुझे वहाँ से आके सीधे नहाना था। अभी आप लोग भी अगर बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले नहाइए, कपड़े चेंज कीजिए, देन कुछ और कीजिए। तो मैंने नहाया, उसके बाद मैं अपने रूम में गई। मैं रेडी वेडी नहीं हुई, मैंने टॉप और ऐसे स्कर्ट डाल लिया, खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया 5 से 10 मिनट का। फिर मुझे लगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर लाइव जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत दिन से इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं गई थी। तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव गई, और इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाके प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं चैट में आप लोगों से ढेर सारी बातें करती हूँ। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ लेकिन जब भी लाइव आती हूँ बहुत सारी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए जो मेरे फेवरेट हैं या जो मेरे दिल के करीब हैं, उन ब्लॉग के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। तो अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, कुछ स्पेशल ब्लॉग। सो अब आप लोग देखना चाह रहे होंगे इस ड्रेस का फुल लुक। आई नो कि आप लोग फुल लुक देखना चाह रहे हो। सो सबसे पहले आप इस ड्रेस का फुल लुक देख लीजिए, और उसके बाद मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करती हूँ और बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्यों मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ, सारी बातें। सो गाइज, ये है सूट का पूरा लुक। आप इसे सूट बोलो या गाउन बोलो, मैं क्या बोलूँ इसको, वन पीस ही है ये और पूरी फुल है। ये जो बेल्ट आप देख रहे हो ये मैंने इसमें खुद लगाया है, ये आया नहीं था। एंड ये ड्रेस मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहले तो लुक इट दिस कलर, कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड टमी के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आपने ड्रेस का लुक देख लिया, ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी। आई नो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो काफ़ी सारे लोग मेरी सारी ड्रेस, जितने भी अभी मैंने 3 पहने हैं, तीनों के ड्रेस के प्राइस पूछ रहे हैं कि प्राइस कितना है, कहाँ से आपने परचेज़ किया है। से परचेज़ किया है वो है फ्लिपकार्ट, और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस पे हैं। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो हद से ज़्यादा अच्छी है। ये कॉटन की है, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं लिंक नहीं डालूँगी, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा स्पॉन्सरशिप है। स्पॉन्सरशिप नहीं है। यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगा देती हूँ, इस ड्रेस का जो प्राइस है वो आपको इस यहाँ पर मैंशन हो जाएगा। साथ ही साथ येलो ड्रेस भी कॉटन की है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट उसका कपड़ा है और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है। अगर आप लोग वो लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, उसका प्राइस विथ पिक्चर में यहाँ लगा दूंगी तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम मैंने पहनी हुई थी, मल्टी कलर की गाउन थी पूरी, मतलब गाउन ही समझ लीजिए, वो थोड़ी सी कॉस्टली है। अगर आप लोग वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हाँ लिटिल बिल कॉस्टली है मेरे हिसाब से, डेली यूज़ के हिसाब से डेफिनेटली कॉस्टली है। मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती हूँ डेली यूज़ में, मैं बहुत सिंपल तरीके से रहना पसंद करती हूँ। बाबू की खुशी के लिए मैं इतना रेडी भी हो जाती हूँ अभी, और क्योंकि वो मेरे इन दिनों को स्पेशल बनाना चाहते हैं। मैंने 2 दिन अपने चक्कर में ख़राब कर दिए हैं उनके ऑलरेडी। उन्होंने कुछ प्लान किया था जिस दिन, कल मैंने जो वीडियो डाला उस दिन, लेकिन मैं उनके प्लान में कामयाब नहीं रही। उन्होंने कुछ बालकनी में कुछ किया था मेरे लिए, लाइक चाय वगैरह अच्छे से रात शाम के टाइम में, कि शायद इसका मूड अच्छा हो जाए, बट मेरा मूड अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, आप रूम ही में दे दो मुझे चाय वगैरह। तो फिर ऐसे ही हमारा कल का दिन निकल गया। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि वो हमेशा गिफ्ट नहीं देते हैं, कई ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि वो दिन को स्पेशल बना देते हैं। तो उन्होंने कल पूरी कोशिश की थी मेरे दिन को स्पेशल बनाने की, बट मेरा दिन स्पेशल नहीं बना। और उन्होंने वहाँ पे वूफर वगैरह भी लगा दिया था थोड़ा सा, कि लाइट सॉन्ग एंड चाय वगैरह पियेंगे तो अच्छा लगेगा, मेघा को थोड़ा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं कल बहुत उदास थी, परसों से उदास थी।
तो फिर जब मैंने उनको देखा तो आज मुझे ऐसा लगा आज मैं उनके एफर्ट्स को नहीं जाने दूंगी, और वो ये ड्रेस में मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, हद से ज़्यादा खुश हुए हैं। इवन वो मुझे ये बोल रहे हैं कि 3 दिन जो 2 दिन तुमने ड्रेस पहनी उससे ज़्यादा अच्छी ड्रेस ये वाली लग रही है। सो आप लोग मुझे बताइएगा क्या सच में लग रही है, क्योंकि रेड कलर मेरा फेवरेट कलर है और उनको ये पता है, तो उन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए इस ड्रेस को मंगाया हुआ है। साथ ही साथ अब मैं आप लोगों को बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला। तो डॉक्टर ने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली मुझे। सबसे पहले तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, लाइक अ मदर, बेटा कैसे हो, बेटा ठीक हो। और जो कि मैंने इन डॉक्टर को चेंज किया है, ये पथरौलिया डॉक्टर हैं कोई, और इनको मैंने चेंज किया है। पहले मैं, आपको पता है मैं कहाँ जाती थी, लेकिन मुझे वहाँ का ट्रीटमेंट नहीं लग रहा था, इसकी वजह से हमने चेंज किया। और उनसे मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे जो आप लोग जिसको बॉम्बली बोलते हो, या फिर जिसको आप बॉम्बली, ओके सो मेरी जो बॉम्बली है उसके अराउंड मुझे पेन हो रहा है और खिंची खिंची फील हो रही है, मेरी स्किन काफ़ी खिंच रही है जिसकी वजह से मुझे इचिंग हो रही है। तो और रात में मुझे इस चक्कर में नींद भी नहीं आ रही है। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई, उन्होंने उसकी दवाइयाँ लिखी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया। हाँ, रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने नहीं छुई थी, उन्होंने बोला था व्हाट्सएप कर दीजिए, तो व्हाट्सएप किया। एंड साथ ही साथ उन्होंने एक गुड साइन मुझे ये दिया, जो 90% मेरे चांसेस थे कि मेरी जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से होगी, उन्होंने मुझे बोला है कि अभी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं इतनी डेस्परेट इसलिए भी हूँ क्योंकि ये जो मौसम और ये जो माहौल चल रहा है इसके चलते मुझे ये लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊँगी, मैं मेरे बेबी को बहुत जल्दी से केयर कर पाऊँगी उसकी, क्योंकि रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑपरेशन में। और साथ ही साथ आप सभी को पता है परेशानियाँ हमारी, सो इसी वजह से आज मैं हद से ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए लगे रहते हो, मैं, आप सभी को पता है मैं बहुत चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो, तो और आपको पता चलता है कि हाँ वो होगा, तो आप अपने आप खुश हो जाते हो। सेकंड चीज़ जो डॉक्टर ने मुझे बोली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उनसे जब खाने पीने की बात की, मैंने उनसे बोला कि मैम मुझे कितना आराम करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, तब उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी तक जैसे फॉलो करती आ रही थी आगे वैसे ही फॉलो करो। अगर आप एक बच्चे की माँ हो तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि आपको क्या करना है, बट ध्यान रखिएगा वजन बस नहीं उठाना है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ के लिए मना किया है, बाकी ना उन्होंने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है, उन्होंने बोला है बिल्कुल प्रॉपर काम कर सकते हो, खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, जो मन करे वो खाओ, क्योंकि बॉडी में हर चीज़ इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर आप ठंडा खा रहे हो तो आप गर्म भी खाओ, आराम कर रहे हो तो आप काम भी करो, ताकि दोनों का लेवल एक बराबर हो। तो मैं आप सभी को यही टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट वूमेन हो तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, बिलीव मी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। आपका बेबी जितना ज़्यादा मूव, मतलब आप जितना ज़्यादा घूमते फिरते हो ना, बच्चा उतना ज़्यादा मूव करता है, और जितना ज़्यादा मूव करेगा डिलीवरी में उतनी ही आसानी होगी। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए है तो उसके लिए बेबी का मूवमेंट होना बहुत, बेबी को मूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी ताकत हम लगाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए उतनी ही ताकत बेबी भी लगाता है। लेकिन अगर बेबी, अगर आप आराम ही आराम कर रहे हो और अगर आप ठंडे ठंडा खा रहे हो, तो उसकी वजह से बेबी जो होता है वो एक ही जगह पे रहता है, और एक ही जगह पे रहने की वजह से बेबी जब खिसकता घूमता फिरता नहीं है तो उसको वो उतना नॉलेज ही नहीं होता, तो उसके लिए आपको ही थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो चलिए गाइज, यही मुझे आप लोगों को बताना था, एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी। और चलो अब मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, साथ ही साथ मिशिका से थोड़ी सी बात कराती हूँ। अच्छा, चैलेंज करने वाली हूँ, वेलकम तो करो सबका पहले। मैंने छोटी बनाया कई थर, हमने सुबह छोटी बनाई थी, तो आज हमने बोले ये चैलेंज। अच्छा और मम्मा को बहुत ही, मम्मा तैयार आ गई, मम्मा को चैलेंज करने वाले अपन, मम्मा बहुत अच्छा आई थी, तो आज हमने बोले चैलेंज कौन सा,
कौन सा चैलेंज करने वाली हो? पिंक वाला। पिंक वाला चैलेंज? ये पिंक वाला चैलेंज कौन होता है? पिज्जा। पिज्जा चैलेंज? हैंड सैनिटाइज कैसे करते दिखा दो सबको। ऐसे हैंड सैनिटाइज करते ऐसे करना चाहिए। अच्छा और क्या करना चाहिए? हैंड वॉश। और मास्क? मास्क बताओ, मास्क लगाना चाहिए, बता दो सबको। मम्मा हम गाय के खस्त। हाँ चलो पहले बुलाओ। हाय गाइस वेलकम बैक टू, पहले बोलो हाय गाइस वेलकम बैक टू चिटमिशी दास फैमिली चैनल। बोलो बोलो मम्मा। देखो हमारी गाय लिखा है पापा ने, जो आज करने वाले चैलेंज हमने सामान तय कर लिया। अपन दादी पास आए नहीं, दादा पास आए तो दो पॉट अच्छी आती नहीं तो और पच्छा पता है क्या। हाय गाइस मैं तुम्हारे मिशिका का फेमी चैलेंज आज चलने वाली थी है चैलेंज, तो आप लोग पच्छा हो जाए तो पानी नहीं हो जाता तो बता दो। हम दादी साथ चलेंगे। कहाँ गए थे आप दादी साथ? बुआ आपको डट्टा पाए लगी थी। नहीं पापा लेके गए थे। पापा ने? हाँ बुआ बुआ पापा लेके गई थी, इंजेक्शन लगाया बहुत बड़ा डॉक्टर अंकल ने, बहुत सारी दवाइयाँ दी मम्मा को। चलने वाले चैलेंज। कौन सा चैलेंज करने वाले हो? शुशु पार्टी ने पिज्जा चैलेंज। पिज्जा चैलेंज? मम्मा आप इसको बोलो हम करने वाले मिशिका चाय चैलेंज। अच्छा आपका आपको खाने में क्या पसंद? दाल चावल सब्जी रोटी? मैगी। मैगी? हाँ मैगी पसंद है हमको। बॉर्डर जाएगी बाली का रोए जाएगी चूहे खुश आ जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, धूप में रखो तो सड़ जाएगी, धूप में रखो तो सड़ जाएगी। इस अभी मैं बाबू के पास बैठी हुई थी और हम लोग बात कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, इतनी ज़्यादा बातें होंगी मैं बिल्कुल भूल गई कि व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं और मुझे इस व्लॉग को एंड भी करना है। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा चिटचैटी रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्या पूरा ही चिटचैटी रहा है। मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं है। दीदी ने खाना बना लिया था जब मैं आई थी, तो खाना ऑलरेडी बन चुका था, घर का काम भी हो चुका था जब हम गए थे, तो मैंने आधा काम कर लिया था, आधा दीदी ने जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो लिया। तो वही है कि मिशिका उस टाइम पे सो रही थी जब हम लोग गए थे, तो टेंशन नहीं रहा, आराम से चले भी गए थे और आ भी गए थे। तो अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, तो घर ही को लेके थोड़ी सी डिस्कशन चल रही थी कि शिफ्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना करना है। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एक चीज़ और सजेस्ट करी थी कि दी इस एरिया में देख लो उस एरिया में, तो हम लोग ऐसे एरिया में नहीं देखना चाहते हैं, प्रॉपर एक सोसाइटी में देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाबू पूरे दिन घर नहीं रहते हैं और मैं अकेली रहती हूँ, तो हमें एक आप समझ सकते हो कि हमें इतना प्राइवेट चाहिए कि बच्ची भी हमारी छोटी है, आगे एक और बच्चा होगा, कि कोई ऐसे आसानी से आ जा ना सके, और थोड़ा सा सोसाइटी में हो, वॉचमैन भी हो। एंड देखते हैं कैसा क्या है, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन बाबू वही बोल रहे थे कि अभी मतलब मैं आज चढ़ के आई ना ऊपर तक तो मेरी सांस उखड़ने लग गई थी। अभी आप लोगों को पता है 7 मंथ जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो भी उसको हाँपी चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी वो थका थका सा फील करता है, और अगर कोई दुबला है तो भी वो मतलब 7 मंथ के बाद कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन थका थका सा फील करती है। जब वो बोलती है तो उसकी आवाज़ में एक थकावट होती है, वो जबकि थकावट नहीं होती है, वो एक आवाज़ भारी बोलते हैं उसको। तो वो मेरे साथ हुआ तो बाबू बोल रहे थे कि मेघा मैं बहुत तेज डर गया था, अगर तुम्हारी अभी ये हालत है, मान लो अगर मैं एक लास्ट डिसीजन ये भी ले लूँ कि नहीं यार अभी शिफ्ट नहीं करेंगे, ऐसी हालत में कैसे शिफ्ट करेंगे, तो मुझे ये डर है कि उस टाइम पर
अगर तुम्हें 2-3 बार हॉस्पिटल मुझे ले जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा पेन के साथ ले जाना पड़ा तो क्या होगा, क्योंकि देखो ये हमें नहीं पता होता है, बीच बीच में पेन होता है 9 मंथ में और हमें नहीं पता होता कि हमारी डिलीवरी किस दिन है, हमको ज्ञाता तो है नहीं कि हमको पता है, तो फिर वही टेंशन। और एक और चीज़ मैडम ने बोली कि क्या बोलते हैं हमारा अगस्त लास्ट वीक में मे बी बेबी हो जाए, तो वो एक और टेंशन के मतलब अगस्त लास्ट वीक टेंशन बोलूँ खुशी बोलूँ, आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सफलता। जब आप कुछ ऐसा करते हो ना तो आपको एक तरीके से एक सफलता प्राप्त होती है। मैंने बहुत मेहनत की है कि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, इस क्वारंटाइन में और इस लॉकडाउन में मैंने अपने आप को कैसे संभाला है ये मैं ही जानती हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है, तो वो एक सफलता है जिसकी हमें इतनी ज़्यादा खुशी है, आज बहुत बड़ी सफलता मिल गई। अगस्त लास्ट का हम इंतज़ार करेंगे और मेरे पास सिर्फ कितने 2 मंथ बचे हैं, सो देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है और क्या और कैसे होगा, कुछ भी अभी पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप लोगों की ब्लेसिंग है और ईश्वर का साथ है तो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। चलिए गाइज मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट प्यार एंड इतनी केयर करने के लिए, आप लोग मेरी बहुत केयर करते हो, बहुत ज़्यादा इतनी केयर करते हो ना इतनी जितनी मेरी बाबू केयर करते हैं, इस तरीके से आप लोग मुझे पैम्पर करते हो कोई छोटी बहन की तरह, कोई बड़ी बहन की तरह, कोई चाची की तरह, तो कोई कैसी काफ़ी सारी एजेड लेडीज़ भी मुझे देखती हैं जिनकी बेटियाँ मेरे जितनी हैं, वो आंटियाँ भी मुझे देखती हैं एंड वो मुझे जब कमेंट करती हैं दिल खुश हो जाता है सच में। सो चलिए गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं।